जा रहे हैं अभी, एक कारेज है जो ओल्डेस्ट सिस्टम है पानी का, जिससे इरीगेशन जो है वो किया जाता है, इरीगेट किया जाता है ज़मीनों को। इरीगेशन सिस्टम है जो समझे कि पाकिस्तान का ओल्डेस्ट जो दुनिया का जो सिस्टम है पानी का, वो देखने जा रहे हैं। कर उमर साहब के साथ जा रहे हैं, सर खालिद जतोई और मुनीब मेरे साथ हैं, मेरे बाइकर्स भाई। हम अभी कारज के लिए वहाँ पे आ गए और अब निकल रहे हैं कारज को देखने के लिए। या जैकेट नहीं सर के ना पे ठीक है, तो सर्दी लग रही जैकेट नहीं तो आ रही हमारी और दो जैकेट दो, ये जैकेट इन्वेस्ट कर ली आपसे ज्यादा, तो अभी मेरे पास मैंने पहना हुआ है। वॉक करेंगे तो मेरा वो आ जाएगा क्या, ये सारे सेब के बाग है ना, अभी आप 2 महीने बाद आएंगे तो आपको लाल नजर आएंगे। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लोकल लोगों का? ये यहाँ पर ना बलोचिस्तान में जो लैंड है ये सारे ट्राइबल लैंड। अच्छा, अभी आपने सीधा लाइन में चलना, आगे पीछे नहीं होना। ये देखो पूरी पूरी पूरी, ये बेसिकली वो कारेज है जिसको बना के खूब नीचे बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पानी का एक नेचुरल फ्लो होता है, ये पूरा पानी वहाँ से वहाँ तक नहीं है, ये सिर्फ यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली ये ज़मीन के नीचे पानी को डायरेक्शन देने का तरीकेकार है, और फिर जहाँ आपका दिल करे वहाँ से आप पानी को निकाल लें। अभी ये पानी कहीं 50-100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, अब उसमें आपने पाइपलाइन भी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं करना, आपने पानी पॉल्यूट भी नहीं होगा और आपका पानी बिल्कुल महफूज साफ सुथरा रहता है। जहाँ से आप निकालते हैं फिल्टर वाटर आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा, मैं आपको पानी नजर आएगा अंदर, फिर नीचे उतारेंगे आपको, तो आप बेल्ट के आपको मैं बेल्ट पकड़ूंगा, उसको छोड़ दे आप। अभी देखना है, ठीक है। हाँ, सही ठीक होगा। अरे जा, तेरा पूछ बड़ा है। ये फिर ऐसे बोल आप सर, ये वजन नहीं है काफी, कहीं कुछ नहीं होता ऐसे बोलना, ठीक है। ओके, पानी आ गया। अच्छा, तो आया अभी। इसमें डालते क्या है अभी, कैसे निकालते कैसे पानी? हाँ, ये पानी आपको दिखाते हैं निकलता कैसे है। सर आप इसको सुझाव खुद जाके, तो बहुत गहरा है। हाँ, नजर आ रहा है पानी सर? जी जी जी, चले भी चलते हैं। कितने अर्सा पुराना होगा ये? उसका तो पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन ये सिस्टम पिछले 2000 साल से बहुत पुराना। 2000 साल? ओके, नाउ गॉट इट। यार ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने देखे। हाँ, ये पाक जब जून जुलाई में कड़कती धूप में हो गया ना, हाँ, पसीना आपको आया हुआ सख्त, हाँ, तो आप ऐसे जब एंटर हो गए ना, हाँ, तो आपको इस हाथ पे और इस हाथ पे वेदर चेंज मिलेगा। ओके, बचपन में पढ़ा था हमने कारे सिस्टम, और आज हम जो है इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ से देख रहे थे ना हम, यहाँ से देख रहे थे। बड़ा गलत करके गया हुआ भैया, ये बारिश कैसे गिरा है? अच्छा, ये भी चैनल था ना? नहीं नहीं, ये आया हुआ है, क्या कहते हैं, ये देख आग लगाई हुई किसी ने, ये वो रैपर गिरे हुए। ये चैनल आ रहा है, ये आ रहा है, इसको हमने असल में बंद किया है, इसके नीचे से पाइप डाल के ये देखो यहाँ निकालना है। ये बाकी सब छोड़ के ये एक हमने अपने लिए रखा हुआ है, या हमारे डिग्नेटरीज विजिटर्स जो आते हैं, या हम कुर्सी वर्सियाँ लगी, हमने खुद नेचुरल लुक इसका प्रिजर्व रखते हुए इस पर ऊपर माहौल बनाया हुआ हमने। या हम कुर्सी और से रख लेते हैं, मेरी मैसेज भी आती है, जो और भी आता है, तो मैं बैठ के चाय पीते हैं, वहाँ से मैं ड्रोन नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। आप लोग ये सामने खत्म हो जाता है यहाँ पर। अरे वाकई तो उतार के, जूते उतार के सर, इसको क्रोकोडाइल से बड़ा डर लगता है। जूते उतार। हेलो बंदी, होए होए, थादो पानी है, बड़ा डर। ओहो, ये भी
एक टॉर्च जबरदस्त ठंडा पानी यख पानी। हम लोग तारीफ कर रहे हैं, जतोई ये भाई पूरा बड़ा है नहीं? हाँ बहुत बड़ा है भाई। हाँ भाई क्या दासरात है भाई। Nice. मैं ऊपर आया हूँ पहले और... मैं इधर नहीं आया बट मैंने और जगहों पे देखा है मगर इस वही आया। Going back. बाबा भाई पीछे रह के बनाओ कपड़े खा। कपड़े लाए गर्मी में ठंडे पानी का मजा है यार। रियल लिटरली बहुत ही ठंडा पानी है। पानी थोड़ा साफ हो जाए तो फिर पीते हैं। ये पीते हैं मेरे लोग पीते हैं बोतल तो भर के घाट घाट का पानी पी एक रोज जाके मंगला डैम का पानी पी लो। मैं गया हूँ बस मंगला डैम का पानी पी कह सकते हो। मैं घाट घाट का पानी पिया। इसने चारों बाछी में भी पानी पिया बोला थोड़ा नमकीन था। पानी सही था वो गंदा पानी था। इसे पता ही नहीं था आगे तालाब मैंने ऐसे ला रही है। जबरदस्त यार टेस्ट। वो तो बिल्कुल पानी जैसा वो जमीन का पानी होता ना उसके जैसा पानी नहीं लेकिन ये मिनरल वाला पानी कैल्शियम पोटेशियम सोडियम हाँ उसका वो क्रिस्टल क्लियर होना देखे मेरा क्या था जबरदस्त है। गदला वन जब बारिश नहीं होती ना तो जब वो पीछे बारिश होती है दो चार दिन के बाद ना तो ये ऊपर ये लकड़ियों से ऊपर आ जाता है पानी और आपको पता नहीं होता कि पानी इसमें है कि नहीं। ओह इतना क्लियर। हाँ बिल्कुल। और ये मैं खाली पिकनिक शिकनिक भी करके गए ना अभी इसको जब किसी को मैंने बताना होता है ना कि पानी है इसमें कि नहीं फिर मैं पत्थर फेंकता मेरा पता नहीं चलता वरना। अब ये पानी ऐसे जा रहा है आगे फिर खालों में और खालों से आगे तकसीम होता है फिर कहीं से ये क्या कहते हैं मोटर लगा के निकाल।